आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो मैं आपको बताता हूँ आज क्या होने वाला है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आज मैं कंपैरिजन करूँगा आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर, उन मैम का नाम है CA रचना, और आप में से काफ़ी सारे लोग इन्हें फॉलो भी करते होंगे और जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे उनके और मेरे बीच में क्या कंपैरिजन है। तो मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैम भी इस वीडियो को देख रही हैं तो मैम मैं आपको बताता हूँ, ये कोई हेट पर्पज से नहीं बनाई गई वीडियो, ये सिर्फ नॉलेज बेस पर बनाई हुई है। आपके वर्क को देखते हुए, मेरे वर्क को देखते हुए कंपैरिजन वीडियो है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैम बात करेंगे हम इसके अंदर आपकी लैंग्वेज के ऊपर। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम। अब आप में से जो लोग मैम को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता है मैम इंग्लिश में ही बोलती रहती हैं। इससे क्या होता है, कोई सामने वाला बंदा, हमारे इंडिया के अंदर 70-80% लोग हिंदी बोलते हैं, तो जो बाकी के उनके सपोर्टर्स फैंस हैं उन्हें मैम की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो मेरे साथ क्या है, मैं आप लोगों को अगर अपनी वीडियोस में बताऊंगा तो मैं आपको हिंदी बताऊंगा, किसी भी चीज़ के ऊपर बताऊंगा मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा अपनी तरफ से जितना बेहतर होता है। तो अब बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में कि आप मैम को देख रहे हो, आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा CA रचना मैम को देखकर या सुमित स्टॉक मैजिक को, यानी कि मेरे चैनल को देखकर। तो मैं बताता हूँ कि CA रचना मैम जो हैं वो आपको क्या करेंगी, एक बेसिक नॉलेज बताएंगी। आप में से काफ़ी सारे लोग उनके सब्सक्राइबर भी हो गए तो आप लोग भी जानते हो मैम क्या करती हैं। मैम की एक बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश से मेरा मतलब है सिर्फ वो आपको थ्योरी थ्योरी बताएंगी और बेसिक की स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या होता है। बट मेरे आपको बेनिफिट्स क्या है, मेरे चैनल से आपको बताता हूँ, टेलीग्राम और यूट्यूब के चैनल से आपको प्रॉफिट होगा भाई। मार्केट के अंदर मैं आपको बोलूँगा, इतने सारे यूट्यूबर, आप कहीं भी चले जाना पर सब लोग आपको अपने प्रॉफिट दिखाएंगे, आपको कोई भी मतलब वो नहीं दिखाने का, आगे लेके नहीं जाने का, वो आपको बस बता देंगे ट्रेड एक एक दो दो साल की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जिनका कोई अता पता नहीं होता, वो लोग बस वीडियो बनाते हैं, उनकी इंटेंशन होती है बस वीडियो निकालो धड़ाधड़, पैसा छापो अपने एड वेडों से, और उन्हें आप लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। बट मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और मैं अपने टेलीग्राम पे भी देता हूँ, अगर आप मेरे एक बार टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब से जुड़ गए ओपन चैलेंज के साथ, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। बाकी ऑलरेडी मुझे 12 से 15 हज़ार लोग फॉलो करते हैं, आज मैंने उनमें अपना पूरा बेस्ट करके सब लोगों को प्रॉफिटेबल बनाया। मैं आप लोगों को कॉल्स वगैरह देता हूँ पोजिशनल, नो इंट्राडे। तो ये बोल सकते हो अगर बेनिफिट्स के बारे में, तो मैम से ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मेरे द्वारा मिलेगा मेरे चैनल में, क्योंकि मैम आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देंगी, बुकिश लैंग्वेज होगी, और मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर CA हो या कितना बड़ा IAS हो या कितना भी बड़ा इसमें बुकिश लैंग्वेज वाला हो, सब फेल होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपका कोई किताबी कीड़ा कुछ भी काम नहीं करता, मार्केट आपका फुली प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस होता है। जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं जानेंगे, कितने बड़े एक्सपर्ट आ जाओ, CA आ जाओ, कंपनियों के ओनर आ जाओ, सब फेल है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस दिया है तो मैं आपको ओपन चैलेंज डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, मेरे सामने आप कोई भी यूट्यूबर खड़ा कर देना, कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट खड़ा कर देना, मैं आपको बिना रिस्क के पैसे कमाऊंगा ओपन चैलेंज के साथ। तो अब बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, पेड कोर्स। तो मैं बताता हूँ जो CA रचना में ये क्या करती हैं, अपनी अर्निंग जो इनकी मोस्टली होती है, ये अपने पेड ग्रुप चलाते हैं, मतलब पेड ग्रुप से मेरा मतलब है ये आपको पेड कोर्सेज देते हैं। इनके काफ़ी सारे पेड कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इधर से उधर इनके मैंने देखा है, मतलब ब्लैक वगैरह में बेचते हैं कि इतने रुपये में ले लो उतने में ले लो। तो मैं आप लोगों को सीधा सा बताऊँगा, मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, मैं किसी भी तरह का कोई आपको कंटेंट पेड कोर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ पेड कोर्स के अंदर मैम हुई या कोई भी हुआ वो आप लोगों को क्या बताते हैं, वो सीधा सा आपको टेक्निकल की वीडियोस वगैरह भेज देंगे। मैं आपको सीधा सा बोलूँगा, आप जितना बेहतर खुद से समझोगे उससे बेहतर आपको दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझा सकता। खुद से ट्राई करो, टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने में सीखो, 6 महीने में सीखोगे, बट जो आप वो चीज़ 6 महीने में गेन करोगे, सच बता रहा हूँ, वो 2 महीने से ज़्यादा गेन करोगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ किसी से पेड कोर्स अच्छा है, आप ये देखो सामने वाला आपको क्या देना चाहता है। बस मैंने आप लोगों को बेनिफिट्स बता दिए, मुझसे कनेक्ट होने के आपको बेनिफिट्स क्या है, आपको बेनिफिट्स होगा, आपको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, आपको मैं कॉल्स वगैरह देता हूं, और CA रचना मैम से आपको बेनिफिट्स होगा, सिर्फ आप बुकिश लैंग्वेज सीखोगे और कुछ नहीं। और मैंने आपको बता दिया इंडियन स्टॉक मार्केट में बुकिश लैंग्वेज कभी भी काम नहीं करती ओपन चैलेंज के साथ। और अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि अभी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वीडियो में मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने भी वाला हूँ जो आपके काफ़ी बेनिफिटेबल होने वाली है। अब बात करेंगे हम अपने सबसे बड़े मेन पॉइंट की, नॉलेज की। तो देखो सीधी सी बात है, मैम को हो सकता है ये बात
लगकर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे मैम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज आपके बारे में भी और अपने बारे में भी इसमें सच्चाई और आपके प्लस पॉइंट दोनों बताऊँगा, तो प्लीज़ मैम डोंट माइंड। अब मैम की जो नॉलेज है वो ज़्यादातर देखो थ्योरेटिकल है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो इनकी वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैम ज़्यादातर जो अपना फोकस करती है ना वो फंडामेंटल, क्योंकि मैम है सीए, तो देखो सीए है, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर सीए डॉक्टर वॉक्टर कोई काम नहीं करता नॉलेज, यहाँ पर सिर्फ वही बंदा कामयाब है जो प्रैक्टिकल मार्केट को टाइम देता है उसके टेक्निकल चार्ट्स पे। मानता हूँ कि मैम को टेक्निकल भी आता है, बट आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप नोटिस करना मैम आपको कोई कॉल्स वगैरह नहीं देती, सिर्फ वो बेसिक्स के ऊपर ही वीडियो बनाती हैं। उनकी वीडियो जो टाइम होता है आप लोग जानते हो 30 मिनट 40 मिनट एक एक घंटे की होती हैं, तो मैम का सीधा सा एक वो है वीडियो को लंबी करके बनाने का। मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, कोई भी यूट्यूबर है कोई भी ऑडियंस है आप लोग हो या कोई भी हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी की एक एक घंटे की वीडियोस देखे, वो सब टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को जो मेन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, अपनी कोशिश करो 5 से 10 मिनट में वीडियो बनाकर जो मेन टिप्स हैं पॉइंट्स अपने ऑडियंस को पहुँचाओ, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर काम करता हूँ, नॉलेज जो है मेरी, मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर आपका फ्यूचर है ऑप्शन है इक्विटी कुछ भी मुझे कहीं से भी उठा कर दे दो, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज में ही बताऊंगा, मैं आपको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं बताने का, क्योंकि मार्केट के अंदर थ्योरेटिकल बिल्कुल जीरो फॉलो करता है। मार्केट सबसे पहले 70-80% अपने टेक्निकल के ऊपर चलता है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना आप मार्केट में फेल हो, चाहे आप डॉक्टर हो या IAS हो या CA हो। अब बात करते हैं IPO की, तो IPO के बारे में बात करेंगे। मैम का जो सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट फोकस है, आप लोग ये बोल सकते हो कि हाँ मैम का आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा IPO के बारे में, मैम क्या करेंगे आपको टेक्निकल उसका फंडामेंटल पूरा IPO के बारे में धड़ाधड़ पूरा उसका बता देंगे कि IPO आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल पर IPOs वगैरह जो होते हैं वो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं IPO में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि IPO सिर्फ एक दिन का एक लक होता है और मैं लक के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि किसी में अपना फ़ंड ब्लॉक करो, क्योंकि जितना आप सब लोग अपना 15,000 रुपये का जो एक लॉट होता है उसके लिए अप्लाई करते हो उसे एक हफ्ते के लिए फंसा कर रखते हो, उतनी दिन में मैं शायद 15-20% का रिटर्न निकाल लेता हूँ अपने उसी अमाउंट का, तो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। बाकी आप लोग हर किसी की अपनी मेंटेलिटी है, बट मैं सच में IPO में इन्वेस्ट नहीं करता चाहे कितना भी अच्छा हो। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की एम की। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जो उनके सपोर्टर होंगे ये बात आपको हो सकता है बुरी लगे, बट जो भी होगा मैं इस वीडियो में आपको सच बताऊंगा बिल्कुल ओपन चैलेंज के साथ। तो एम जो है मैम का क्या है, पेड कोर्स मैम बेचती हैं अपना और यूट्यूब ऐड से मैम का जो मेन है वो यूट्यूब ऐड से कमाती हैं। ऐड से कैसे कमाती हैं मैम, आप नोटिस करते होंगे एक घंटे की वीडियो बनाती हैं या मतलब लेंथी वीडियो बनाती हैं, बट आप में से काफ़ी सारे लोग बोर होते होंगे उनकी वीडियोस वगैरह देखकर, बट मैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैम को अपनी वीडियो बनाने से मतलब है कंटेंट आप लोगों के लिए। बट मैं बताता हूँ उस कंटेंट से मैम नुकसान क्या होता है, या आप भी हो कोई भी ऑडियंस है आप भी हो, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है सामने वाले बंदे की वीडियोज़ इतनी देर तक देखने का, तो आप लोग बस सीधा से समझ लो मैम अपने यहाँ पर YouTube पर क्यों आई हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में, अपना पेड कोर्स आप लोगों को बेचने या YouTube ऐड से अपनी अर्निंग करने। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ, मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ अपने फ्री चैनल के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता हूँ, बट उसमें से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मेंबरशिप की डिमांड करते हैं कि सर आपके पास कुछ हटकर प्राइवेट ग्रुप है, तो मैं आपको बताता हूँ हाँ मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर मैं आपको और अच्छा बेहतर रिटर्न दिलाता हूँ। तो ये थे दोनों के एम के बारे में, मैम का और मेरा। अब इसके बाद सातवां पॉइंट बात करेंगे इक्विटी। तो मैम का देखो फिर से वही है रीड बुक्स, इसका मतलब यही है मैम आपको जो बताएंगी वो फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, उसके बाद टेक्निकल को देती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया मार्केट में सबसे ज़्यादा टेक्निकल की ही इंपॉर्टेंस है, 70-80% मार्केट टेक्निकल को ही फॉलो करता है, ऑपरेटर जो मार्केट को चलाते हैं वो लोग भी। तो बुकिश लैंग्वेज से ना हटकर आप लोग मान के चलो इक्विटी में उस बंदे को फॉलो करो जो टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अब मैं अपनी बात करूँगा इक्विटी सेगमेंट में, तो आप कह सकते हो मैं इस ओपन चैलेंज के साथ बोलूँ मेरे सामने कोई भी यूट्यूबर खड़ा कर देना इक्विटी का मैं अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी है अपनी 4-5 साल की, कुछ हटकर मैंने उन लोगों से सिस्टम बनाया, वो लोग आपको इंट्राडे में लॉस कराएंगे बट मैं आप लोगों को इंट्राडे नहीं कराता, मैं आपको होल्डिंग कॉल्स दूंगा जो आपको 1 से 2 दिन के अंदर 5 से 10% का रिटर्न देंगे और मोस्टली आपको अपर सर्किट कॉल्स में देता हूँ। IPO मैंने आपको बता दिया मैम का प्लस पॉइंट है और मैं IPO के ऊपर अवॉइड ही करता हूँ अपने व्यूज़ वगैरह। और एम भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैम का एम क्या है, मैम क्यों आए हैं इस मार्केट के अंदर आपके यूट्यूब के अंदर, आपको वो किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं और मैं किस टाइप की आपको वीडियोस बनाता हूँ या फिर मैं आपको समझाता हूँ, कि दोनों के एम मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और अब तक की सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सुमित स्टॉक मैजिक को ज्वाइन नहीं करा ना, आपने कुछ नहीं करा,
क्योंकि यहाँ पर मैं सेम डे 10-20% भागने वाले स्टॉक्स की अपने कुछ भी रडार पर होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट ज़रूर करता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुमित स्टॉक मैजिक को भी, और आप नॉर्मल उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो 2900 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, बिना रिस्क के आपको पैसे कमाऊंगा, आप जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो। अब बात करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट 8th पॉइंट के बारे में, ओपन चैलेंज ट्रेड। इसका मतलब क्या, आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लो, यूट्यूब गूगल, आपको सिर्फ मेरा ही चैनल दिखाई देगा, और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ मैं आपको ओपन चैलेंज ट्रेड दूंगा होल्डिंग्स की, बट मैम नहीं देती, मैम कुछ आपको कोर्स वगैरह नहीं देती, बस वो आपको बेसिक्स वगैरह बताने आते हैं फंडामेंटल के ऊपर, बुकिश लैंग्वेज। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मैम का एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा का है, मेरा सिर्फ 4 साल का है, बट मैं आपको सीधा सा बताऊंगा, देखो एक्सपीरियंस 1 साल का हो या 10 साल का हो, जब तक आप उस चीज़ को बेहतर नहीं करोगे अपनी तरफ से, वो 10 साल का 1 साल के बराबर ही होता है। अब बात करेंगे ट्रेड एक्यूरेसी की, तो मैं बताऊंगा मैम आपको सिर्फ बुकिश पॉइंट के आधार पर बता देंगे, स्विंग ट्रेडिंग बता देंगे, या आपको एक दो स्क्रीनर बता देंगे मैं, लेकिन सीधा सा आप लोगों को एक बताऊंगा, कोई भी बंदा कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी किसी भी बंदे को नहीं शेयर करेगा। आप खुद ही सोचो, आप साइंटिस्ट हो, आपने किसी चीज़ की खोज करी, अगर आप वो सब चीज़ बताते रहोगे दुनिया में, तो आपका पेटेंट वगैरह आप कराओगे, वो चीज़ पब्लिक हो गई ना। तो सीधा सा समझ लो, कोई भी इस मार्केट के अंदर पैसा कमा रहा है ना, उसके पास कुछ मतलब खुद की कोई स्ट्रेटजी ने, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर मैम आपके साथ बुकिश लैंग्वेज के साथ बात करें और कुछ स्क्रीनर वगैरह देते हैं, मैम क्या कोई भी यूट्यूबर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा आप लोग जानते हो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेगा, तो फिर हर कोई एक प्रॉफिट करेगा, तो फिर लॉस कौन करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या एम है और मेरा ट्रेड एक्यूरेसी के बारे में क्या है। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि हर पर्सन को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूँ। जी हाँ, मैं जो मेरा मेन एम है वो यही है, मैं खुद तो प्रॉफिटेबल हूँ और मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर छोड़ूंगा एक दिन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।